ध्यानकर्मी एकादशी है। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती, इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको कथा, तो बड़े भाव से सुन लो इसको, है बड़े प्रेम से। इसलिए सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है महाराज। निर्जला एकादशी, एकादशी का उद्यापन जो करा जाता है उसका उद्यापन और प्रदोष का जो उद्यापन करा जाता है, इन दोनों का क्रम लगभग लगभग एक जैसा ही। तो निर्जला पहुंची है और निर्जला ने जाकर भगवान नारायण से निवेदन करा। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है निर्जला, आज तुम खेलती हुई यहां पर आकर खड़ी हो गई, क्या हुआ, क्या है, क्या तुमको गौलोक धाम में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही जो तुम वैकुंठ में आई। निर्जला घूमती घूमती भगवान के सम्मुख में पहुंच गई। भगवान ने पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे, निर्जला हुआ क्या तुमको। ए निर्जला, ए एकादशी, हुआ क्या है तुम, क्या कारण है तुम्हारे यहां आने का, वैकुंठ पहुंचने का। बहुत ध्यान देना महाराज, शास्त्र कहता है सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये देवता वो देवता सबके व्रत कर लो, सारे व्रत कर लो, पर ये व्रत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पुण्य है वो मृत्यु लोक में आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है। पर हिंदू धर्म के तीन व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म के तीन व्रत ऐसे हो गए जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ महाराज, जिनका पुण्य प्रबलता में बढ़ता गया। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष और तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। एकादशी भी 26 है तो प्रदोष भी जम के बोलते जाओ 26 है, शिवरात्रि केवल 12, केवल 12, और अगर अधिक मास की पड़ जावे तो ये पर अधिक की आय सोते। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि तीन व्रत हमारे यहां जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ, जिनका पुण्य प्रबल हुआ बड़ा, इसलिए आज भी माता एकादशी का व्रत करती है। और एकादशी का व्रत कर अगर कोई जीवात्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान देते हैं, एकादशी का उसको दान दिया है। महाराज निर्जला खड़ी है, पूछा क्यों आई है, क्या कारण है। निर्जला आई तब लक्ष्मी मैया उठकर निर्जला के करीब में गई। निर्जला बहुत सरल थी, निर्जला कहते हैं कामा एकादशी सबसे लंबी है, कौन सी एकादशी, कामा, फिर मोक्षदा उससे नीची है माया, और निर्जला जो है बिल्कुल छोटा स्वरूप है। निर्जला का मतलब देखा जाए तो केवल दो चोटी करी हुई है, मस्तक पर भोर लगा हुआ है निर्जला के, माथे पर बिंदी लगी हुई है निर्जला के, सुंदर गले में तुलसी की मालाएं पहनी है निर्जला, हाथ में जो हथफूल जैसी माताएं पहले पहनती थी आपको ध्यान में होगा, ऐसा बड़ा फूल होता था, अंगूठियां पड़ी होती थी हाथ में ऐसा लगा रहता, तो निर्जला हथफूल भी तुलसी के धारण करी, बड़ा सुंदर स्वरूप है माता निर्जला का। महाराज छोटी है तो माता लक्ष्मी उनके पास में गई और निर्जला से जाकर पूछा, निर्जला तेरे आने का कारण क्या है, तू बता, नारायण आपसे पूछ रहे कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या है तुम्हारे आने का कारण। निर्जला ने कहा, मेरी विनती केवल इतनी सी है मां कि मैं चाहती हूं कि मैं जीव के प्राण छूटने के बाद उसके प्राणों को जिस समय मैं लेकर जीवात्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूं, वैकुंठ तक भेजूं, गौलोक धाम तक भेजूं, उस बीच में मुझे ले जाते समय कई नरक भी बीच में पड़ेंगे, कई स्थान ऐसे बेतरणी आदि आदि के स्थान बीच में आएंगे,
तो वो स्थान में मुझे रोका ना जाए, मैं सीधे भगवान के धाम पहुंच जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी दया। जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा, हो शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती, इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता। बहुत ध्यान से सुनना इसको कथा को। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए जिस दिन आप व्रत करो। जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना, अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज, कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त तो हो जाते, सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा, तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता होगी ना होगी। और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त तो हो जाएगा, इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंद था। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई पोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता।